क्राइम ब्रांच ने उज्जैन में होटल से तलाशी के दौरान करीब 4 किलो सोना जब्त किया है। इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गुरुवार को होटल सर्चिंग के दौरान 2 आरोपियों को पकड़ा। जब पूछताछ की गई तो वे सोने के बारे में जानकारी नहीं दे सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पूर्व उज्जैन क्राइम ब्रांच होटल लॉज की चेकिंग कर रही है। सीएसपी विनोद मीणा ने बताया कि क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि महाकाल थाना क्षेत्र में दानी गेट चौराहे के पास होटल में अवैध तरीके से मुंबई के रहने वाले 2 लोगों के पास 4 किलो अवैध सोना है। पुलिस ने दोनों संदिग्धों को दबोच लिया। क्राइम ब्रांच ने दानी गेट स्थित होटल अवंती पार्थनाथ में मुंबई निवासी में हेमंत जैन और जतिन जैन के पास से 4 किलो के आभूषण बरामद हुए हैं। दोनों मुंबई के डोंगरी में रहने वाले हैं। दोनों ने पुलिस को बताया कि 2 किलो के आभूषण ज्वेलर्स को देना है, बाकी किलो सैंपल के हैं। संदेह के आधार पर आभूषण जब्त कर दोनों को हिरासत में लिया है। आईपीएस मीणा के अनुसार 4 किलो सोने का पुख्ता प्रमाण नहीं मिलने पर मामले की जांच के लिए आईटी विभाग को पत्र लिखा जाएगा। इसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। के तहत आज एक कार्रवाई हुई है जिसमें हमको सूचना थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो अवैध सोने का लेन देन करके यहाँ से निकल रहे हैं। तो उस सूचना के तौर पे जब हमको वेरीफाई किया तो हमें उनके पास से लगभग 4 किलो के आसपास सोना हमने सीज़ किया है।